पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। इस दौरान विपक्षी पार्टी से जुड़े लोगों ने आप पर निशाना साधना शुरू कर दिया और इसके लिए सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे शेयर किए गए। ये वीडियो भाजपा दिल्ली के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने ट्वीट किया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वीडियो में हिंसा होने की वजह से इसे ब्लर कर दिया गया है। इसमें दिख रहा है कि रास्ते पर कुछ लोग एक व्यक्ति को मार रहे हैं। इस हाथापाई के दौरान एक व्यक्ति पर पत्थर से हमला किया जाता है और उसके बाद वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। कई यूजर्स ने ये वीडियो फेसबुक पर इसी दावे के साथ पोस्ट किया। वीडियो की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने पंजाब स्थित रोजाना के प्रवक्ता और फैक्ट चेकर भगवंत सिंह रूपल से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि ये वीडियो पंजाबी टेक्स्ट के साथ 10 मार्च को शेयर किया गया था, जिसमें ये वीडियो पंजाब के पठानकोट का बताया गया है। पंजाब के एक पत्रकार ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि पठानकोट में संबंधित पुलिस अधिकारियों ने ये घटना पंजाब के होशियारपुर जिले के हाजीपुर की बताई है। हमें हाजीपुर थाने के SHO पंकज शर्मा ने बताया कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ये पठानकोट का नहीं है बल्कि हाजीपुर का वीडियो है। ये घटना 5 मार्च के आसपास पुलिया रोड पर हुई थी। इसके 2 दिन बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। पीड़ित व्यक्ति इस मामले में बाल बाल बच गया था। भगवंत सिंह रूपल ने हमें FIR की कॉपी भेजी। ये शिकायत UP के बिजनौर जिले के निवासी सुरेंद्र सिंह ने दर्ज कराई थी। FIR के अनुसार सुरेंद्र सिंह गाड़ी लेकर कुलिया लुबाना गांव से गुजर रहे थे, तभी मुकेरिया के बटाला थाना के महमूदपुर निवासी दिलजीत सिंह उर्फ काला नाम के एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। दिलजीत के साथ मौजूद लोगों ने भी सुरेंद्र के साथ मारपीट की। इन लोगों ने सुरेंद्र की कार में तोड़फोड़ की और उनमें से एक ने सुरेंद्र के सिर पर पत्थर से वार किया और वो खेत में ही बेहोश हो गए। FIR में दिलजीत के अलावा अजय कुमार, बंटी, शांति और 5 अनजान लोगों के नाम शामिल है। इनके खिलाफ IPC की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ऑल्ट न्यूज ने भगवंत सिंह रूपल की मदद से सुरेंद्र सिंह से भी बात की। उन्होंने ऑल्ट न्यूज को बताया कि वो एक माइनिंग कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के रूप में काम करते हैं। उन्हें ये नौकरी 4 महीने पहले ही मिली थी। उनका काम वाहनों के चालान की जांच करने का है और आरोपियों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इस बात को लेकर लड़ाई हुई थी। सुरेंद्र ने लड़ाई राजनीतिक वजहों से होने की बात नकार दी है। यानी पंजाब में चुनाव परिणाम से पहले चालान काटने को लेकर हुई लड़ाई का वीडियो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए शेयर किया गया।